हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। तुम्हारा भाई ने नया वीडियो लेके आया, बुलेट का रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक मॉडल भी जो है ना, ये वीडियो मेरे पास आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका ब्रेक लाइनर जो है और ब्रेक केविल, ठीक है, सामने का व्हील पूरा जाम है। तो इसके लिए हमको पहले रिमूव करने का ये वाला मीटर केविल, ठीक है। तो मीटर केविल आपका अभी खोलने की बहुत कोशिश किया है, जाम है, लेकिन पहले मैं इसको ब्रेक केविल रिमूव करेगा। इसके बाद में वो बाद में थोड़ा सा बिल जो है ना वो बाहर करने के बाद में वो मीटर केविल में निकालेगा। अभी ऊपर से देखता हूँ क्लच का उधर से लूज, हाँ वो अभी लूज़ कर दिया। तो मैं इसको नीचे करके ये रिमूव कर लिया। ये अभी ऊपर जो लीवर आता है ना उधर से रिमूव करेगा फर्स्ट, इसके बाद में सेकंड जो है ब्रेक कैम है वहाँ से रिमूव करेगा। इसके बाद में ये जो इधर एक नट रहता है वो लूज़ करेगा। तो अभी लूज़ करने के बाद में नीचे की कैम है वो नहीं करेगा, ये पूरा जाम है इसलिए वो खोलने का मुश्किल हो रहा है। तो ये खुल जाएगा, मुश्किल नहीं है, मैं खोल के दिखाता है। चलो, वो कैम ब्रेक वायर से कैम निकाल दिया। अभी वो बील खोलने के लिए इसका चार नट आता है, 13 या 13 का, इंग्लिश में बोले तो 13 होता है, लेकिन अगर हिंदी में बोले तो भी 13 आता है। 13 का दोनों नट जो है ये दोनों पूरा रिमूव करने का, पूरा लूज़ करके उसका क्लैम है वो भी निकालने का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये नट जो है ना जब उसको फिटिंग करेगा दोनों बराबर बराबर की टाइट करने का, नहीं है तो वो जो क्लैम है वो टूट सकता है। क्लैम एल्युमिनियम की है, वो कभी कभार जिसको मतलब हर कोई नया नया बंदा खोल देता है फिटिंग करने के टाइम टूट जाता है, तो उसका एक वो पॉइंट है। अभी इसको मैं नॉर्मल, ये जाम है नट जो है पूरा जाम है, तो अभी मैं खोलेंगे, खोलने के बाद में फ्री करके मैं फिट करेगा। एक साइड खोल दिया, अभी दूसरा साइड गए, दूसरा साइड खोलने के बाद में मैं बताता हूँ। चलो ये मैं खोलता हूँ। नट जो है ना गाइस, नट बहुत टाइम से ओपन नहीं किया है, इसलिए पूरा नट जो है जाम है। स्पैनर से खोल रहा हूँ, इतना टाइट है, बहुत टाइट है। तो अभी ये मैं खोल, दोनों तरफ दोनों साइड की खोल दिया मैं, इस एक साइड क्लैम निकल दिया, ये भी मैं निकालेगा। तो इसको जब मैं फिटिंग करेगा वो पूरा फ्री करके फिट करेगा, क्लीन करके अच्छे से। तो अभी इसको मैं खोल लेता हूँ। इसको अभी रिमूव करेगा इधर से पूरा। तो इसको रिमूव करने के, इसको जो बील है ना रिमूव करेगा या बाहर करने के टाइम में एक बात ध्यान रखने का, उस साइड में मीटर पिनियम आता है उसका एक पॉइंट रहता है, उसको घुमा के ई करने का, बाहर करने का, और नहीं है तो मतलब मीटर पिनियम जो है वो बॉडी टूट जाएगा, तो पिनियम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोला था वो मीटर केबल पूरा जाम है, तो अब इसको मैं खोलता हूँ। देखो इसको मीटर जो है ना पिनियम अंदर से घूम रहा है, तो उसके लिए मैं नॉस प्लेयर से एक साइड से पकड़ा है, दूसरा साइड से मैं मंकी प्लेयर यूज़ किया है, ठीक है। लो अभी लूज़ हो गया है, तो अभी जाम है, ये सब पूरा जाम है, तो नॉस प्लेयर से मेरे को खोलना पड़ेगा। तो मैं पूरा खोलता हूँ, उसके बाद में बाहर करेगा, मैं बाद में तब उसके बाद में लाइनर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे चेंज करने कैसे।
नॉर्मली ये आपका बाहर हो गया। अभी इसका जो है ना वो मैं निकाला, दोनों साइड में दो नट आता है, एक 24 आएगा 25 आएगा, ये मैं खोला है ना ये 25 है। लेफ्ट साइड का जो नट है वो 25 है, राइट साइड में जो आएगा 24 आएगा, 25 आएगा और 24 आएगा। तो इसका लाइनर का हालत देखो क्या कंडीशन है, बुरा कंडीशन है और इसमें बहुत कचरा है। पुराना वाला जो ब्रेक लाइनर है वो मैं पैर के नीचे उधर रखा है। अभी मेरे पास ब्रश है एक, उससे मैं अभी क्लीन करेगा, क्लीन करने के बाद में कपड़ा से पोछेगा, फिर बाद में ऑयल मारेगा, ऑयल मारने के बाद में फिर कपड़ा से पोछेगा, इसके बाद में भी ये सफ़ा करेगा। इसका वो सब होने के बाद में मैं दिखाएगा आपको फिटिंग कैसे करने का। ये अभी सफ़ा करेगा, करने में मुश्किल नहीं है, मैं बताता हूँ आपको फिटिंग करने के टाइम में। इसको जो है अच्छे से सफ़ा करने का, तो मतलब आपको क्या होता है ब्रेक शू जो है बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। ब्रेक शू और अगर इसको सफ़ा नहीं करेगा, नॉर्मली निकाल के फिट करेगा, तो आपका ऐसे 10 दिन में ब्रेक पकड़ेगा, साउंड आएगा, जाम भी होगा, इसलिए अच्छे से चलो सफाई कर लिया। इसके बाद में इसको जो है ना ब्रेक कैम है ये वाला जो मैं अभी हाथ से घुमाया, ये वाला हर टाइम इसको फ्री रहने का, फ्री मतलब बोले तो नॉर्मल जो ये होता है ना फ्री होता है, एक मूवमेंट होता है उस तरीके से। अभी जैसे मैं इसको देखो पूरा अच्छे से ऑयल मार रहा हूँ, ऑयल मारने के बाद में ऐसे ही करेगा आगे पीछे, कैम जो है आगे पीछे करेगा। ये देखो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल फ्री है, तो इसमें नॉर्मल फ्री है तो मैं ऐसे कर दिया, और ये जाम है तो मैं उधर से पूरा रिमूव करके उसका कैम निकाल के वो ग्रीस करके फिर डालेगा। तो ये नॉर्मली फ्री है इसलिए इतना नहीं किया है, और अभी वो ऑयल डाला था, ऑयल ये कर लिया मैं, क्लीन करेगा सफ़ा, ऑयल सफ़ा करने बाद में उसको नया वाला ब्रेक शू डालेगा। ये अभी इधर रखा है मैं, ब्रेक शू अभी नहीं डालेगा, पहले वो अच्छे से ही करेगा, नहीं तो ऑयल है तो ऑयल या ग्रीस जो है अगर ब्रेक शू में थोड़ा सा ये है या वो जो रिम है उसमें हब में अगर थोड़ा सा है तो ब्रेक नहीं आएगा, गाड़ी ब्रेक स्लिप होगा, गाड़ी जो है ना एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसको कभी भी ध्यान रखे तो जो ब्रेक शू में ग्रीस थोड़ा सा भी ना ही करे, और गए तो पेपर से क्लीन कर लो। अभी इसको देखो ये वाला जो है ना इसका 4 पॉइंट आता है दो साइड में, लेकिन नॉर्मल वाला में बैक साइड में जो होता है ना दो ही कैम आएगा, तो इसमें ये होता है एक सीधा बैठता है एक दूसरा तरीके उल्टा बैठता है, दोनों साइड की वो दो दो बैठता है। तो चलो इसको मैं अभी ये वाला जो मैं लिया है ना ये ब्रेक लाइनर है, अभी इसका स्प्रिंग डालेगा, ठीक है। एक पहले से बैठ गया था और एक अभी बैठा रहा हूँ, ये अभी स्प्रिंग बैठ गया, अभी इसको जो है ग्रीस करके रखा था, अभी इसको उधर बैठाएगा तो थोड़ा सा पावर आएगा, तो इसको ये करने के बाद में बैठाने का। अभी ये देखो अभी ये बैठ दिया है, बैठा दिया, आप चाहे तो उसको जो है ना थोड़ा सा हाथ में मार सकता है, या थोड़ा सा कोई सा भी स्पैनर है थोड़ा सा टच करने का, वो अभी नॉर्मल बैठ गया, ये देखो नया जैसा है अभी फ्री हो गया, और इसमें ग्रीस वो सब अभी जो है ना स्प्रिंग दो स्प्रिंग में मैं ग्रीस करेगा, मतलब स्प्रिंग में ग्रीस करने के लिए क्या होता है वो स्प्रिंग कभी भी टूटेगा नहीं है, और दूसरा ये पॉइंट है उसमें ग्रीस नहीं है तो ब्रेक पकड़ेगा जाम होगा साउंड आता है, तो इसके लिए एक साथ में वो कर दो ग्रीस करो वही अच्छा है। अभी ये जो व्हील है ना इसको मैं अभी क्लीन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ये ब्रश है मेरा हाथ में जो है ना उसका क्लच के व्हील है ना उसका मैं ब्रश बना के रखा है, तो उससे मैं क्लीन करता हूँ। ये अभी क्लीन कर दिया है, ठीक है, उसका बुश निकल गया था तो मैं बुश में बैठा रहा हूँ, और ये सब खोलने के टाइम में ध्यान रखे बुश के बारे में, नहीं है तो वो बिल फिटिंग करेगा तो जाम होगा या दूसरा कोई आएगा इशू होगा, अब टाइट करेगा बिल जाम हो जाएगा। अभी इसको जो है ना वो पेपर है ना सीज पेपर उससे क्लीन करने का,
तभी जो मैं क्लीन कर रहा हूँ मेरे पास पतला है, तो मैं दूसरा लाता हूँ। दूसरा लेके आ गया मैं बड़ा वाला, ये देखो अभी इसमें रखा है। हाथ में ऐसे ऐसे करके इसको भी पूरा क्लीन करने का, एक भी रस्ट होना नहीं चाहिए। यह जो है वो बॉडी है ना, बॉडी बोले तो मतलब वो जो मिट्टी का धूल है ऐसे धूल वो सब नहीं रखने का, अच्छे से सफाई करने का। इसके बाद मैं फूम मार के सफ़ा कर दिया, अभी कपड़ा सब पोछेगा इसका अच्छे से पोछने का। तो जा क्या होता है, ब्रेक ज़्यादा टाइम मिलता है, साउंड कंप्लेंट नहीं आता है। तो ये मैं कर दिया, और ये देखो अच्छे से, देखो जो ये है ना ड्रम है अच्छे से क्लीन हो गया। अभी ये मैं इसको बैठाने जा रहा हूँ, ये नॉर्मली बैठ जाएगा। और दूसरा कोई गाड़ी है तो क्या करना पड़ता है, आपको कैम जो है ना ब्रेक कैम वो थोड़ा दबा के बैठाना पड़ता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है, फिर इसको हम टाइट करेंगे। ठीक है, तुम्हारा भाई नट टाइट कर दिया है, अभी इसको बैठाने जाएगा। तो इसका जो दो पॉइंट है, एक इस साइड की पॉइंट है, एक दूसरा साइड की पॉइंट है। तो पहले आपको वो जो पिनियम का साइड है वो साइड अच्छे से देख के बैठाने का, बाद में ये साइड जो है ना नॉर्मली बैठ जाएगा। आपका जो पीनियम की साइड है वो फाइबर है, तो इसीलिए वो टूट जाए, टूटने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए पहले वो बैठने का। अभी मेरे जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड भी बैठ गया, आपका वो साइड भी बैठ गया है, दोनों साइड बैठ गया है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल इसको क्या करेगा, अभी नट डालेगा। नट डालने के बाद में ये जो मैं बोला था पहले दो क्लैम आता है, ये क्लैम जो है ना नॉर्मल ऐसे बराबर से दोनों साइड जो है एडजस्ट करके टाइट करने का। अगर ऊपर नीचे कमती हुआ है तो एक क्लैम जो है ना तुरंत टूट जाएगा। टूटने के बाद में मतलब आपको फिर शोरूम जाना पड़ेगा, शोरूम से लेके आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा देख के करो, और नया नया बंदा जो होता है काम करने वाला उसको क्या होता है, एटलीस्ट वो खोल देता है, बराबर टाइट नहीं करता है। ठीक है, कभी एक साइड ज़्यादा कर देता कमती करता है, इसलिए जो टूट जाता है। तो इसके लिए उसके लिए भाई साहब के लिए बोलता हूँ, नॉर्मली आप देख के उसका जो गैप है ना गैप देख के आप ही कर सकता है। अभी इसका जो है ना ब्रेक केबल चेंज करने के लिए तो वो बोला था, तो मैं ब्रेक केबल डाल रहा हूँ। मैं देखो नॉर्मली इस साइड से जो है ना ब्रेक केबल डाला था, इसके बाद में वो जो टी है टी का सामने वो इंडिकेटर का बाजू में एक हॉल्स आता है, वो हॉल्स का साइड से लिएगा। और वो जो मरगर्ड है ना मरगर्ड का उधर से हॉल से लेके वो इंजिल का साइड में आएगा, इसके बाद में इधर नीचे से फिट करेगा। ये अभी नीचे इधर जो है नट आता है थ्रेड वाला, हॉल्स रहता है थ्रेड में, तो उसको पहले पूरा ही करने का, नीचे बैठाने का पूरा टाइट करने का, इसके बाद में फिर पुश करके ब्रेक सही करने का। तो पहले मैं केबल डाल लेता हूँ, इसके बाद में मैं बताता हूँ कैम में जब फिटिंग करेगा तो। रॉयल एनफील्ड में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये इधर जो क्लैम दिया हो ना ये क्लैम थोड़ा सा ही है, या तो इसको थोड़ा सा बैक में कर देते या फ्रंट साइड में देते तो और अच्छा होता फिटिंग करने के लिए। लेकिन चलो क्या करेगा यार, कंपनी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम लगता है, बाकी सब ओके दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इसको सीधा फिटिंग करेगा, फ्री है तो जल्दी हो जाएगा। अगर पुराना केबल है नट जाम होगा तो उसके लिए आप ऑयल मार के कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अभी हम जो है ना ऊपर में मैं फिट किया है, लेकिन ऊपर से फिर खोलना पड़ेगा। और यहाँ का जो बुश होता है ना, ऐसे बुश क्या होता है, कभी कभी नया नया बंदा लोग होता है फिटिंग करने नहीं होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये जो क्लच ये है ना ब्रेक केबल है उसको अभी ये ऊपर की तरफ है, तो जो मैं हाथ में पकड़ के इसको नीचे थोड़ा सा डाउन करेगा, डाउन करने के बाद में वो जो बुश है ना वो बराबर में बैठ जाएगा।
अभी ये ऊपर की तरह है तो नीचे की साइड अंदर नहीं जाएगी, तो इसलिए उसको ऐसे बैठाया गया तो वो नॉर्मल फ्री बैठेगा, नहीं तो वो स्कूटर डालेगा तो कट हो जाएगा घुस। ठीक है, तो यार ऐसे अभी देखो मैं डाला था तो ऐसा नहीं आ गया, तो इसके लिए आपको क्या करने का गाइस, ऊपर जो लीवर में फिट किया था वो पहले रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद में इधर कैम में ब्रेक कैम है उसमें डालो आप, इसके बाद में वो ब्रेक पकड़ के उधर लीवर में बैठा हो वही अच्छा है, वो सिंपल बैठ जाएगा, नहीं तो नीचे इधर बैठाने की बहुत कोशिश करेगा ना तो आपको लिए बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम आएगा और आपको मतलब बैठाने का बहुत ये है, तो ऊपर से बैठाएगा पहले नीचे बैठा हो इसके बाद में ऊपर ब्रेक में बैठा हो तो ये आपके लिए सेफ ही रहेगा, सेफली ईजी रहेगा, और नहीं तो नीचे से करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये होगा। तभी जो हमारा है वो ब्रेक लाइनर ब्रेक केबल डाल के व्हील अभी फ्री है, ये अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी जो ब्रेक का ये डाला है ना, ये देखो कितनी जगह जो है ना इधर शॉर्ट है, तो क्या करेगा, कंपनी का सामान है कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये सब रहता है हर कोई गाड़ी में ना किधर भी देता है। ठीक है, तो ये अभी आपका बन गया है ब्रेक जो है वो अभी स्मूथ है, देखो मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ कितना स्मूथ है, अभी रिटर्न आ रहा है, पहले रिटर्न नहीं आ रहा था। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नया है भाई चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो के लिए, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकता है। ये देखो उसका लाइनर है, ये जो लाइनर है ना सेमली आपको जो कार होता है स्विफ्ट दूसरा कोई है उसका जैसा ब्रेक लाइनर देता है, ये ब्रेक केबल है, ये पूरा ख़राब है।